दोस्तों, जब एक सेवन सीटर कंफर्टेबल एमपीवी की बात आती है तो इनोवा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि इनोवा कितने सालों से इंडिया की सड़कों पर राज कर रही है, और जब भी कोई इनोवा की नई जनरेशन लॉन्च की जाती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इंडोनेशिया में इनोवा क्रिस्टा की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च कर दी गई है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इनोवा क्रिस्टा की। दोस्तों, इनोवा क्रिस्टा 2016 में इंडिया में लॉन्च की गई थी। ये एज ए लग्जरी इनोवा के रूप में लॉन्च की गई थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब इंडोनेशिया में डिज़ाइन सेम वैसा रखा है, लेकिन थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट की बात करते हैं। तो फ्रंट में आपको ग्रिल में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। ग्रिल का डिज़ाइन सेम वैसा है, आपको वही 5 ब्लेड डिज़ाइन देखने को मिलेगा, लेकिन आउटर जो है वहाँ पे आपको थिक क्रोम वर्क देखने को मिलेगा। नीचे आपको एक स्किड प्लेट देखने को मिलेगी जो कि पहले नहीं होती थी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं और छोटे छोटे LED लाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है हेडलैम्प्स। उसके नीचे फॉग लाइट हाउसिंग भी चेंज कर दी गई है, उनका डिज़ाइन भी आपको चेंज मिलेगा, और टर्निंग इंडिकेटर का डिज़ाइन भी चेंज देखने को मिलेगा। बाकी साइड प्रोफाइल सेम वैसी है, साइड प्रोफाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अगर रियर प्रोफाइल देखें तो रियर प्रोफाइल में भी लाइट्स में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। नीचे का बम्पर है, वहाँ थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जहाँ आपकी नंबर प्लेट रहती है, नंबर प्लेट में ब्लैक कलर आपको देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। एलॉय व्हील्स जो बेस वेरिएंट है, वहाँ तो आपको सिंपल एलॉय व्हील्स मिलेंगे, लेकिन डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको अपर वेरिएंट में देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको 9-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, और इसके साथ एयर प्योरीफायर भी इनबिल्ट आपको मिल जाएगा। आजकल एयर प्योरीफायर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी वजह से एयर प्योरीफायर मिल जाएगा। अब इनोवा क्रिस्टा में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगी, एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी, लेदरेट सीट वर्क्स मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतने फीचर्स आपको मिल जाएंगे। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, इसमें आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, हिल असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा, डुअर एयरबैग्स मिल जाएंगे, कर्टन एयरबैग्स मिल जाएंगे, नी एयरबैग्स मिल जाएंगे, और साइड एयरबैग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इंजन आपको सेम वही मिलने वाले हैं, इंजन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इंडिया में 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो 4 डीजल इंजन मिलता है, जो कि आपको 150 PS की पावर देता है 343 Nm टॉर्क के साथ। 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक के साथ ये आपको मिल जाता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो 2.7 लीटर 4 सिलेंडर 16 वॉट VVT पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, 166 PS की पावर आपको मिलती है 245 Nm टॉर्क के साथ। ये भी आपको 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आपको मिल जाती है। तो गियर बॉक्स आपको सेम वही मिलने वाले हैं और इंजन भी आपको सेम वही मिलने वाले हैं। तो 2021 में ये इंडिया में लॉन्च होगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस थोड़ा सा इसका बढ़ सकता है नए फीचर्स की वजह से, यही कोई 30,000 से 50,000 तक के प्राइस की बढ़ोतरी हो सकती है, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है। बाकी जब ये इंडिया में लॉन्च होगी तब देखते हैं कि कितना प्राइस बढ़ता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नई इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट कैसी लगी, क्या आपको ये नया डिज़ाइन पसंद आया है या नहीं आया है, कौन से फीचर थे जो ऐड होने चाहिए थे इस इनोवा क्रिस्टा में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।